गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन इन आवर क्लासेस। आप सभी का हमारी क्लास में एक बार फिर से वेलकम है, स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक यूनिट 11, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर। वी ऑलरेडी स्टडीड प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ओके, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, and alcohols and phenols, preparation of alcohol, and in this session we are going to discuss preparation of phenols, how to prepare phenols. Okay, so phenols, you know what is phenols, kya hote hain phenols? Phenols are also known as carbolic acid, was first isolated in the early 19th century from coal tar. Nowadays phenol is commercially produced synthetically, hum isko synthetically bhi produce kar sakte hain. In the laboratory, phenols are prepared from benzene derivative by any of the following method. Benzene derivative से हम इसको prepare करने वाले हैं. Prepare from benzene derivative. First one here, see, from haloarenes. We can prepare phenols from haloarenes. See. Haloarenes, you know what is haloarenes? Benzene ring and then halogen. So chlorobenzene, this is chlorobenzene, is fused with NaOH. Isko NaOH ke saath mein fuse karenge, 623 Kelvin and 300 atm pressure. So first of all sodium phenoxide is obtained, then treated with HCl. Fir iski acidification, matlab acid ke saath mein iski reaction karayenge. So it is converted into phenol. So yahan se OH, O को H plus मिल जाएगा एंड दिस इज कन्वर्टेड इंटू फिनॉल्स. सेकेंड प्रिपरेशन है बेंजीन सल्फोनिक एसिड. बेंजीन, दिस इज बेंजीन रिंग एंड दिस इज ओलियम, दिस इज एसिड H2S2O7, ओलियम H2S2O7, दिस इज एसिड. इसको हम ट्रीट करेंगे, देन इट इज कन्वर्टेड इंटू बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड देन ट्रीटेड विद NaOH एंड फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन. ओके, NaOH के साथ में ट्रीट करेंगे, देन इसके बाद H प्लस से इसकी रिएक्शन कराएंगे. H प्लस मीन्स HCl या H2SO4, एनी वन ऑफ द एसिड, जनरली HCl. सो इट इज कन्वर्टेड इंटू फिनॉल. नेक्स्ट, फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट्स वी कैन प्रिपेयर फिनॉल्स फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट्स. सी, दिस इज एनिलीन. फर्स्ट ऑफ ऑल ये एनिलीन है NH2, देन बेंजीन रिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ट्रीट करेंगे हम NaNO2 सोडियम नाइट्राइड, देन HCl. सोडियम नाइट्राइड और HCl का जो मिक्सचर है, इससे ये कन्वर्ट हो जाएगा. सी, दिस इज द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड. दिस इज बेंजीन और ये जो N2+ है, दिस N2+ ग्रुप इज नोन एज डाइएजोनियम ग्रुप. तो दिस इज बेंजीन N2+ ग्रुप. ये जो N2+ ये वाला दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, this is diazonium and this is chloride. This is when aniline is treated with NaNO2 plus HCl, it is converted into benzene diazonium chloride. Then इसको हम water के साथ में जब heat करेंगे, गर्म करेंगे, water लेंगे and then इसको water के साथ में warm करेंगे इस benzene diazonium chloride को, it is converted into phenol, nitrogen gas and HCl. So it is phenol is produced. Next, from cumin, what is cumin? See, this is cumin, benzene ring, then isopropyl group. This is isopropyl group, carbon and 2 CH3 group attached है, तो ये isopropyl group है ऊपर वाला. Cumin treated with oxygen, oxygen के साथ में जब इसका हम oxidize करेंगे, so यहाँ पे cumin hydroperoxide generate हो जाएगा. Carbon और hydrogen के बीच में 2 oxygen group introduce हो जाएंगे. So this is cumin hydroxide, then इसका acidification करेंगे. Acidification means H+ के साथ और वाटर के साथ में रिएक्शन, देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू फिनॉल. एंड हियर ये जो है ये बाय प्रोडक्ट है, यहाँ पर एसीटोन, दिस इज एसीटोन. एसीटोन ए बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, इट इज़ ऑब्टेंड इन लार्ज क्वांटिटी बाय दिस मेथड. ये भी एक अच्छी खासी क्वांटिटी में यहाँ से प्रोड्यूस होने वाला है. ओके, सो दिस इज़ 4 मेथड हाउ टू प्रिपेयर फिनॉल्स. ये चार आपको याद रखनी है. ओके, नेक्स्ट, सी हियर सम ऑफ द क्वेश्चन इज गिवन. शो
सो हाउ आर द फॉलोइंग एल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सूटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और मेथेनल. आपको मेथेनल दे रखा है. व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मेथेनल? मेथेनल इज HCHO एंड देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड HCHO दिस इज मेथेनल. इस इन दोनों की रिएक्शन करवा के ये वाला बनाना है. तो इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का स्ट्रक्चर कौन सा होगा जिससे ये वाला एल्कोहल प्रोड्यूस हो? सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMGX. तो आर ग्रुप कौन सा चूज करे कि ये वाला फिनोल जनरेट हो जाए? ओके, सॉरी ये वाला एल्कोहल जनरेट हो जाए और एक ये वाला एल्कोहल. दोनों के लिए अलग अलग है. आप इसको सोचें और करने की कोशिश करें. इस तरह से क्वेश्चन आई है. राइट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. सी दिस इज वाटर एंड एच प्लस. अगर वाटर और एच प्लस एंड एल्किन दे रखा हो तो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होंगी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल. तो दिस इज द वेरी सिंपल प्रोडक्ट. क्या जनरेट होगा यहाँ पर? CH3, यहाँ पर OH आ जाएगा, इस कार्बन पे OH आ जाएगा, देन CH3 और हाइड्रोजन इधर आ जाएगा. बहुत ही सिंपल है. दिस इज NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड. दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट. तो यहाँ पर रिडक्शन होने वाला है. सो आप देखें सोडियम बोरोहाइड्राइड कीटोन है. यहाँ पर एक कीटोनिक ग्रुप है, इधर इधर एस्टर ग्रुप है, इधर सोडियम बोरोहाइड्राइड, इधर क्या दे रखा है? इसका रिडक्शन होगा तो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा. तो आप इसका प्रोडक्ट खुद से बनाएं. ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी 111.4.3. ओके, सी सो एल्कोहल्स एंड फिनोल्स कॉन्सिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. एल्कोहल और फिनोल्स में दो पार्ट्स होते हैं. ओके, एल्कोहल एंड फिनोल कॉन्सिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एन एल्काइल एंड एराइल. एल्काइल ग्रुप एंड एराइल ग्रुप एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप. ओके, तो या तो एल्काइल ग्रुप और हाइड्रोक्साइल ग्रुप या एराइल ग्रुप और हाइड्रोक्साइल ग्रुप. द प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल्स आर चीफली ड्यू टू द हाइड्रोक्साइल ग्रुप. द नेचर ऑफ द एल्काइल एंड एराइल ग्रुप सिंपली मॉडिफाई दिस प्रॉपर्टी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग बॉइलिंग पॉइंट. इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे. सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज इन वंडरवाल फोर्स. मतलब एल्कोहल और फिनोल्स का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा जब नंबर ऑफ कार्बन एटम बनेंगे. मतलब जैसे आपने प्रोपेनॉल लिया, प्रोपेनॉल में तीन कार्बन है, और आप ब्यूटेनॉल लेते हो तो ब्यूटेनॉल में चार कार्बन है. तो जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाएगा. इन एल्कोहल द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ ब्रांचिंग. अगर आप एल्कोहल की बात करो, जैसे अगर आइसोमर है, आइसोमर होते हैं, अगर आइसोमर होंगे तो आइसोमर में जो ब्रांच वाले हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन वंडरवाल फोर्स विद डिक्रीज इन सरफेस एरिया. जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, इधर दे रखा होगा. हाँ नहीं, ओके, सी सपोज यू हैव CH3, CH2, CH2 एंड OH. दिस इज प्रोपेनॉल. और अगर आपके पास प्रोपेनॉल ऐसा है CH3, CH, OH, देन CH3, तो ये है इस तरह से. अगर ये ब्रांचिंग वाला तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसका ज़्यादा होगा. नेक्स्ट फिनोल की बात करें हम तो द हाइड्रोक्साइल, दिस इज OH ग्रुप. हाइड्रोक्साइल ग्रुप इन एल्कोहल एंड फिनोल्स इज इन्वॉल्व इन द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सी दिस इज ये ऊपर वाला, ये एल्कोहल है, देखो ROH. तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जैसे एक एक एल्कोहल ये है और एक एल्कोहल ये है, ठीक है. तो इसके इस एल्कोहल के ऑक्सीजन और दूसरे एल्कोहल के हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये डॉट डॉट लाइन आपको दिख रही है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है. तो इन एल्कोहल्स देर इज़ ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी. ओके, ये देखो, ये इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच, इधर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच, इधर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच. उसी तरह से फिनोल में भी होगी. नीचे वाला फिनोल का स्ट्रक्चर है, देखो ये फिनोल है ओ और एच, तो इधर फिर ये वाला दूसरा फिनोल है ओ एन एच, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट थिंग. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल
एंड फिनोल्स आर हायर इन कंपैरिजन टू अदर क्लास ऑफ कंपाउंड नेमली हाइड्रोकार्बन ईथर हेलोएल्केन्स एंड हेलोइरिन्स और कंपेरेबल मोलिकुलर मासेस फॉर एग्जाम्पल एथेनॉल एंड प्रोपेन है कंपेरेबल मोलिकुलर मास देर बॉइलिंग पॉइंट डिफर वाइडली द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिथॉक्सीमीथेन इज इंटरमीडिएट ऑफ दू टू बॉइलिंग पॉइंट्स सी देखो ये एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं आप ये देखो दिस इज एथेनॉल इसका मोलिकुलर मास दे रखा 46 इसका बॉइलिंग पॉइंट दे रखा 351 केल्विन दिस इज मिथॉक्सीमीथेन मोलिकुलर मास इसका भी 46 है देखो दोनों का मोलिकुलर मास सेम है बॉइलिंग पॉइंट 248 केल्विन है कम हो गया प्रोपेन इसका मोलिकुलर मास भी देखो 46 इसका 44 लगभग सेम ही इसका 231 तो देखो एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा इन सब का मोलिकुलर मास क्या है लगभग सेम है अप्रोक्सीमेटली सिमिलर है बिकॉज मतलब ये कंपेरेबल एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं तो देखो बॉइलिंग पॉइंट अगर इन सब का मोलिकुलर मास सेम है तो सबसे ज़्यादा एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होगा बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका रीज़न क्या है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोलिकुलर मास इज मोर उससे कम इथर का होगा दिस इज आर ग्रुप और दिस इज आर ग्रुप आर ओ आर इथर का फार्मूला होता है सो दिस इज मिथॉक्सीमीथेन मोलिकुलर मास इसका देखो 46 248 केल्विन और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा 231 इसका रीज़न भी पूछा जाता है जो बुक में दे रखा आप इसको पढ़ें ठीक से ये रीज़न दे रखा है द हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल आर मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसकी वजह से हो रहा है ड्यू टू द इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन देम विच इज़ लैकिंग इन ईथर एंड हाइड्रोकार्बन ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ईथर में नहीं होता है ना ही प्रोपेन में होता है इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन द एल्कोहल ओके नेक्स्ट है सोल्यूबिलिटी सी सोल्यूबिलिटी ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल इन वाटर इज ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड इनकी सोल्यूबिलिटी किसकी वजह से होती है पानी में वाटर में अच्छे से घुल जाते हैं सोल्यूबल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिकॉज इट मेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर दे रखा है ये डायग्राम आप देखो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है ये देखो ये एल्कोहल है और ये वाटर का मॉलिक्यूल है इनके बीच में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में देखो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो इसकी वजह से ये अच्छे से सोल्यूबल हो जाते हैं बिकॉज एल्कोहल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर द सोल्यूबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ एल्काइल और एराइल ग्रुप जैसे जैसे ये जो एल्काइल ग्रुप दिख रहा है ना आपको ये जैसे जैसे इसकी साइज बढ़ेगी इसकी सोल्यूबिलिटी कम होती जाएगी अभी यहाँ पे 3 की चेन है अगर ये 4 की होगी तो सोल्यूबिलिटी थोड़ी कम होगी अगर ये 5 की होगी तो सोल्यूबिलिटी और कम होगी सो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ एल्काइल और एराइल ग्रुप हाइड्रोफोबिक ग्रुप ये जो एल्काइल ग्रुप होता है इसको हम हाइड्रोफोबिक ग्रुप भी बोलते हैं वाटर रिपेलिंग सेवरल ऑफ द लोअर मोलिकुलर मास एल्कोहल्स आर मिसिसिबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन जिसका मोलिकुलर मास कम है वो अच्छे से वाटर में सोल्यूबल होंगे एल्कोहल्स नेक्स्ट सी दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने कहा था कि इस तरह से क्वेश्चन आएंगे अरेंज द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में इनको जमाना तो देखो पेंटेनॉल ब्यूटेनॉल एथेनॉल प्रोपेनॉल मेथेनॉल तो बॉइलिंग पॉइंट कब इंक्रीज होता है बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद इंक्रीज इन कार्बन चेन तो सबसे कार्बन सबसे छोटा कौन सा है मेथेनॉल एक कार्बन वाला तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा मेथेनॉल के बाद 2 कार्बन चेन वाला देखो एथेनॉल फिर 3 कार्बन चेन वाला देखो प्रोपेनॉल तो फर्स्ट वन पे ये मेथेनॉल सेकंड वन पे एथेनॉल थर्ड वन प्रोपेनॉल के बाद में देखो अब 4 कार्बन वाला देखो ब्यूटेनॉल एंड 2 ब्यूटेनॉल ये दोनों ब्यूटेनॉल है लेकिन ये स्ट्रेट चेन वाला है और ये ब्रांचिंग वाला है तो ब्रांचिंग के साथ में बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है तो सबसे ज़्यादा मेथेनॉल फिर दूसरे नंबर पर एथेनॉल फिर प्रोपेनॉल फिर चौथे नंबर पर ये फिर पाँचवें नंबर पर ये छठे नंबर पे सबसे जिसकी कार्बन चेन है उसका सबसे कम होगा तो सबसे पहले आप किसको रखोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है तो पेंटेनॉल सबसे पहले रखोगे फिर पांचवा ब्यूटेनॉल फिर फोर्थ नंबर फिर थर्ड 2 एंड 1 इस तरह से यह आंसर आप हो जाएगा ओके नेक्स्ट देखो पेंटेनॉल
ब्यूटेन पेंटेनल इथोक्सीथेन। अब यहाँ पे चार कंपाउंड दे रखे हैं देखो, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पेंटेनॉल ये एल्कोहल है, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा तो सब वन नंबर वन पे एल्कोहल। एल्कोहल के बाद में किसका होगा पेंटेनल, दिस इज एल्डिहाइड, दूसरे नंबर पे एल्डिहाइड आएगा, तीसरे नंबर पे आएगा आपका ईथर एंड फोर्थ नंबर पे ब्यूटेन। ये दे रखा है एथेनॉल, फिर ईथर, फिर प्रोपेन। अब यहाँ पे एल्डिहाइड दे दिया तो एल्कोहल से कम पेंटेनल का होगा, फिर ईथर का होगा और सबसे कम ब्यूटेन का होगा। ओके तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट, नाउ वी आर डिस्कस्ड केमिकल रिएक्शंस, नाउ वी आर डिस्कसिंग केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल्स। सी, एल्कोहल्स आर वर्सेटाइल कंपाउंड, वर्सेटाइल, दे रिएक्ट बोथ एज न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करेगा एंड इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम करेगा, बोथ। इट कैन एक्ट, इट कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर एंड इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। द बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन हाइड्रोजन इज ब्रोकन। देखो ये है एल्कोहल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड जब ब्रेक होगा इट रिएक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। सो द बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज ब्रोकन व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल। तो जब ये एल्कोहल है, ये वाला बॉन्ड अगर टूटता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का, ये वाला यहाँ से अगर ये ब्रेक होता है तो इट एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल। देखो न्यूक्लियोफाइल, एक एल्कोहल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये अपने लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट करेगा, कार्बन और ऑक्सीजन में बॉन्ड बन जाएगा, ये वाला कार्बन इस कार्बन और इस ऑक्सीजन में बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड बन जाएगा। इसने डोनेट करे तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये हाइड्रोजन एज इट इज़। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन वापस अपने ये दो हाइड्रोजन अपने दो इलेक्ट्रॉन पे इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे हाइड्रोजन वाले, ये एच प्लस यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये प्रोडक्ट इस तरह से बन जाएगा। सेकंड, एल्कोहल एक्ट्स एज ए इलेक्ट्रोफाइल, अगर इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन इज ब्रोकन, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन इज ब्रोकन व्हेन दे रिएक्ट ए इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो ये एल्कोहल है तो कार्बन और ऑक्सीजन, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा व्हेन इट एक्ट्स एज ए इलेक्ट्रोफाइल। सो प्रोटोनेटेड एल्कोहल रिएक्ट इन दिस मैनर, प्रोटोनेटेड मीन्स अगर ये प्रोटोन एक्सेप्ट कर ले इलेक्ट्रॉन तो इसको हम बोलेंगे प्रोटोनेटेड एल्कोहल। तो देखो ये यहाँ पर है, ये इसके पास लोन पेयर, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करेगा एच प्लस को और ये प्रोटोनेटेड हो जाएगा, मतलब एच प्लस एक्सेप्ट करने के बाद इसको हम प्रोटोनेटेड एल्कोहल बोलेंगे, मतलब इसने प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये यहाँ से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था एक और आके अटैच हो जाएगा। सो ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल जो है वो इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह एक्ट करेगा, प्रोटोनेटेड एल्कोहल एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ये देखो अब ये प्रोटोनेटेड हो चुका है, इसने प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लिया एल्कोहल ने, ये प्रोटोन एक्सेप्ट किया यहाँ से। अब देखो ये ब्रोमाइड आयन है, ये ब्रोमाइड आयन न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा, इस ब्रोमीन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा और ये वाला जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रोमीन CH2 देन R एंड ये वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सो बेस्ड ऑन द क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन, अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है या कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल में भी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, इनको दो कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे इनके रिएक्शंस को, ओके, एंड द रिएक्शन विल बी डिस्कस्ड इन आवर नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट पीरियड, ओके। सो जो भी आज पढ़ा है, वट एवर वी लर्न, प्लीज़ इसको रीड करें, इसको याद करें, इन रिएक्शन को आपको याद करना होगा, समझना होगा, अगर नहीं समझते हो तो भूल जाओगे और एग्ज़ाम में कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। इनको डेली रिवाइज करें, पढ़ें, ओके, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ओके। सो बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।